और यहाँ पे तीन वाटरफॉल बनते हैं, वो कैसे बनते हैं हम आपको दिखाएंगे। अंदर मंदिर भी है, इस यहाँ से पहाड़ आप लोग, अरे वाह क्या बात, वो देखो ताक रहा है। ओ ओ ओ, ओ। से भी नजारा देख लो। और काफी hey guys, welcome back. का स्वागत है guys, तो अभी मैं आ चुका हूँ तीरथगढ़। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो देखिएगा, हम दंतेवाड़ा से निकले हुए थे तीरथगढ़ के लिए, बाइक राइड किए थे। वो व्लॉग नहीं देखे तो देखिएगा, हम आप लोगों को तीरथगढ़ जलप्रपात दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस है बस्तर का, जगदलपुर से इसकी जो दूरी है वही 30 किलोमीटर पड़ जाता है सुकमा वाली रूट पर। पिछला व्लॉग में मैंने बताया है की आप कैसे यहाँ तक आ सकते हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। उससे पहले जो बैग है वो किसी दुकानदार को देना पड़ेगा, हैवी बैग हो चुके हैं हमारे, वो सामान लेकर अपन नीचे उतर नहीं सकते। तो यहाँ भी टिकट कटाना होता है, टिकट कटा रहे हैं, दुकान देख रहे हैं अपन कहाँ पे बैग वगैरह रख सकते हैं, देखते हैं क्या चार्जेस है यहाँ का। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये दुकान है, यहीं पे अपन बैग रखते हैं या फिर कुछ पी लेंगे तब जाकर बैग रखने का मौका मिलेगा लग रहा है। और स्प्राइट लेते हैं, स्प्राइट है गुड़िया दो ना, छोटा वाला दो देना, छोटा वाला है ना दो देना, स्प्राइट। तो हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिया यानी कि स्प्राइट, यहीं पे अपन बैग छोड़ दिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी बैग है हमारा, कुछ कुछ सामान भी पकड़े हुए हैं। आते आते आम पकड़ लिया था तोड़कर, बस्तर में आम के पेड़ काफी सारे, तो मैं आम तोड़ के पकड़ लिया है मम्मी के लिए। अभी जाते जाते इमली लेना है, इमली का पेड़ कहीं दिख जाए तो वहाँ पे अपन इमली तोड़कर मम्मी के लिए लेकर जाएंगे। देखो लंगूर बड़ा खतरनाक रहता है, लेकिन ये लंगूर पूरा दुकानदारी है जहाँ भी आपको खाना पीना कर सकते हैं, बाहरी खाना खिलाना बंदरों को सख्त मना है। अभी अपने को वहाँ से नीचे उतरना है, सीढ़ी बनी हुई है, देखना यह है कि अभी पानी है कि नहीं है वाटरफॉल में। वैसे तो 12 महीने पानी होता है बट इस बार छत्तीसगढ़ में इतना खास बारिश हुआ नहीं है, उसके अनुसार से होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। यहाँ पे अपना पर्ची दिखाना होगा, तो गेट बना हुआ है और यहाँ पे सीढ़ी दी गई है, इसके माध्यम से अपन नीचे उतरेंगे और वाटरफॉल का आनंद उठाएंगे भाई। यहाँ पे तीन वाटरफॉल बनते हैं, वो कैसे बनते हैं हम आपको दिखाएंगे। अगर आप बरसात में आओगे ना तो तीन वाटरफॉल आप देख नहीं पाओगे, केवल एक ही देख पाओगे। यहाँ से हल्का सा दिख रहा है वाटरफॉल, है पानी है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और ये सामने में दिख रहा है वाटरफॉल, बहुत प्यारा। कुछ लोग तो ऊपर भी चले गए भाई। यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक लेकर आना प्रतिबंधित है। टिकट काउंटर पर चेक करते हैं, आप कुछ खाना पीना लेकर तो नहीं आ रहे हैं, और बंदरों को आप खाना पीना दे भी नहीं सकते यहाँ पे। काफी सारे लंगूर है जो सीना झपटी करते रहते हैं, देखो बैठा हुआ है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये ऊपर कुछ बना हुआ है पता नहीं क्या बना है। तो ये है लंगूर, खतरनाक लंगूर है। इस तो देखो वाटरफॉल, कितना बड़ा वाटरफॉल है तीरथगढ़, इसके नीचे भी वाटरफॉल बनता है और ये मंदिर है ऊपर में। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग ऊपर से आए हैं, देखो उतरते समय उतना नहीं लगता है, चढ़ते समय लगता है भाई मेहनत। गर्मी का दिन है भाई, पानी का लेवल कम हो गया है। ये मेरा तीसरी बार है जो मैं तीरथगढ़ वाटरफॉल पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ पे क्या सुकून मिल रहा है भाई, मस्त ठंडा लग रहा है, एक नंबर। हमारे गिरधर भाई पीछे रह गए हैं और वो फर्स्ट टाइम आए हैं गिरधर भाई। पेड़ की छांव के नीचे यार क्या ही सुकून मिलता है, बस कुछ ही सीढ़ी बची हुई है, अच्छा बना दिया सीढ़ी। यहाँ पर देखो इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं, सब दुर्ग भिलाई रायपुर के ही लोग हैं अधिकतर। ये सामने में है वाटरफॉल, इसके नीचे में एक और वाटरफॉल है, इसके नीचे में एक और वाटरफॉल है, तीन वाटरफॉल है जो आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। काफी शानदार सा दृश्य है, बरसात के दिनों में आओगे तो यहाँ तक पानी आता है और काफी तेज रफ्तार से बहती है पानी, और छींटे इतना तगड़ा उड़ता है ना कि आप गीले हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे खड़े रहते हैं तो। ये मस्त बना लिया भाई, यहाँ से खड़े होके अपन देख सकते हैं, खूबसूरत सा दृश्य है, लेकिन पानी का लेवल बहुत कम। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इतने गर्मी में पहली दफा आया हूँ मैं, कुंड में भंवर है कृपया कुंड में ना उतरे, ऐसे बोट मेंशन है। और ये सामने में वाटरफॉल, इतना कम पानी में पहली दफा देख रहा हूँ मैं, नहीं तो भाई यहाँ यहाँ तक पानी आता था, क्या करे छुट्टी है लोगों का, सबके पेपर हो गए हैं तो सब घूमने के लिए बस्तर ही आते हैं, क्योंकि बस्तर में ही आपको पानी देखने को मिलेगा वाटरफॉल में।
बाकी हमारे उस साइड में तो पूरा सूखा है। यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हैं दूसरा वाटरफॉल देखने के लिए, तो चलेंगे। फोटोग्राफी चल रहा है बढ़िया सा, कुछ लोग उधर भी जा रहे हैं, उधर मंदिर भी है। इस यहाँ से पहाड़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, काफी बड़े बड़े पहाड़ हैं और हम लोग काफी ऊपर में हैं। ये देखो पहाड़, भाई ड्रोन लेके आए हैं, देखते हैं उड़ाने का मौका मिलेगा तो उड़ाएंगे अपन ड्रोन और खूबसूरत दृश्य दिखाएंगे आप सभी को। यहाँ भी पानी बह रही है तो हमारे जेदार भाई पीछे रह गए हैं, उनका वेट करते हैं, फिर दूसरा वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ेंगे। सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इधर चलते हैं बिड़ू, यहाँ से खड़े होकर एक बार फिर से नज़ारा देखते हैं हम। धूप तो भाई तड़पा है, कड़कती धूप में अपन व्लॉग शूट कर रहे हैं। यहाँ से भी नज़ारा देखो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर में मंदिर है, उनका भी दर्शन कराते हैं आप सभी को। हेलो, तो यहाँ पे मंदिर है, देखते हैं यहाँ पे कौन से भगवान विराजमान है, क्योंकि बारिश के दिन में आए थे इस साइड नहीं आ पाए थे हम लोग। वैसे आप आ सकते हैं बारिश के दिनों में भी, यहाँ से भी अपना नज़ारा देख पाएंगे। यहाँ ऊपर भी मंदिर है और यहाँ भी मंदिर है। पहले इधर चलते हैं, इधर का मंदिर देख लेते हैं कौन से भगवान विराजमान हैं। अरे वाह क्या बात है, एक्चुअल में तो यहाँ से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पूरे एरिया आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं तीरथगढ़ का, और वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। देखते हैं यहाँ पे कौन से भगवान विराजमान है भाई। सीढ़ी बनी हुई है मस्त, तो ऐसी मंदिर बना हुआ है, भगवान तो विराजमान नहीं है लेकिन यहाँ ऊपर से है नज़ारा देख सकते हैं पास से तीरथगढ़ जलप्रपात। और एक वाटरफॉल ये देखो यहाँ नीचे बन रहा है, तो नीचे चलते हैं, इधर भी चलते हैं भाई। अब आए हैं तो थोड़ा अच्छे से आप लोगों को दिखला देते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात। तो यहाँ से एक दूसरा वाटरफॉल दिखता है, वो देखते हैं अपन। ये देख लो ये है दूसरा वाटरफॉल, इसके अपन नीचे चलेंगे। हम लोग भी सोचते हैं कि स्नान करेंगे करके, और ये पहला वाटरफॉल है। तो तीन वाटरफॉल बनते हैं, इसके नीचे में एक और वाटरफॉल है। इस यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं अपने अपने देवी देवता का। ये देखो पूजा पाठ कर रहे हैं, और यहाँ पे काफी सारे मंदिर हैं, जैसे कि यहाँ पर है गणपति महाराज जी, इनका भी आप दर्शन करिए। और ये नीचे उतरने का है, यहीं से अपन नीचे उतरेंगे दूसरा वाटरफॉल के लिए। और यहाँ भी गणपति महाराज जी है, शिवलिंग है, शेषनाग है, यहाँ पे तुलसी चौरा है। ये देखो इस तरह से ये है गणपति महाराज जी का, काफी सारी मूर्तियां हैं। और यहाँ भी घर बैठे आप दर्शन करिए, पूजा पाठ चल रहे हैं। और ये देखो नंदी महाराज जी, और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल बनता है लेकिन उसमें पानी ना के बराबर है। तो अभी अपन नीचे उतरते हैं, और यहाँ पे लंगूर परेशान करते हैं इसलिए सब ज़्यादा लकड़ी पकड़ के बैठे हुए हैं। चलो नीचे चला जाए, यहाँ भी सीढ़ी दी गई है जिसके माध्यम से अपन नीचे उतर सकते हैं। ये जो सीढ़ी है ना, राउंड टू राउंड सीढ़ी है। ये देखो वहाँ पे कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं क्योंकि गर्मी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। लंगूर परेशान कर रहा है, मतलब उसका झोले को ताक रहा है। ओ ओ ओ ओ, वो झोला ले गया भाई, उनका झोला ले गया, झोला ले गया आपका,
वो कपड़ा लगता निकाल दे रहे हैं, वो देखो गिर गया झोला, गिर गया नीचे, कपड़ा यहीं पर है, ये देखो क्या परेशान कर रहे हैं। देख लो लंगूर का कारनामा, ये भाई लंगूर से बच कर रहिएगा, कपड़े उनके वहाँ पर लटके हुए हैं, एक कपड़ा उनका ऊपर में है, ऊपर में आपका, ये देखो ये यहाँ पर है, यहाँ पर लंगूर परेशान कर दे रहे हैं। लंगूर को बाप रे, अरे झोला ले गया था, कपड़ा गिरा दिया, ये बहुत बदमाश है, ये देख रहे हो उसको डरा भी रहा है। और आओ तो आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाया भाई, बंदर लोग किस तरह से परेशान करते हैं भाई। तो कभी भी आप तीरथगढ़ आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ बंदर लोग ना ताक में रहते हैं, और भाई लाइव प्रूफ दिखा दिया आप सभी को, और यहाँ पे मंदिर है, दर्शन कराते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे भोलेनाथ है, दुर्गा माता है, घर बैठे दर्शन करिए, जय माता दी, हर हर महादेव। और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं स्नान करके खड़े हैं यहाँ पे, ये दूसरा वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल में आप स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं, और ये देख के अपना भी मन कर रहा है स्नान करने का। अभी हम लोग इसके किनारे किनारे से चलते हैं वाटरफॉल के पास, और पास से नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। ये तो उसकी याद दिला दिया भाई, गोधर्स वाटरफॉल ऐसी है, गोधर्स वाटरफॉल। हम लोग किनारे किनारे से जाकर पास से वाटरफॉल को देख सकते हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बच्चे जो सब स्नान कर रहे हैं, मुझे तो सब आनंद ले रहे हैं, ज़्यादा गड्ढा नहीं लग रहा है। ओ भाई साहब क्या बात है, जबरदस्त, इससे अच्छा वाटरफॉल और क्या ही हो सकता है। पानी की धाराएं कम है लेकिन जो छींटे आ रहे हैं ना तगड़े आ रहे हैं, और यहाँ पे लोग खड़े होकर स्नान कर रहे हैं। गाइस तो यहाँ पर ना फिसलन है, तो नंगे पैर ही आपको जाना पड़ेगा, जूते पहन के आप जा नहीं सकते हो। देखो लड़का फिसल गया था अभी, बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, और क्या ही नज़ारे हैं भाई। ये सेकेंड वाला जो वाटरफॉल है ना भी पसंद आता है मुझे, आपको भी पसंद आ जाएगा, हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो। अभी भी आप आते हैं गर्मी के दिनों में बिल्कुल यहाँ विजिट करिएगा, और नीचे जरूर आइएगा स्नान करने के लिए। घंटी लोग भी स्नान कर रहे हैं, तो इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, आंटी डर रही है नीचे करने के लिए, क्योंकि फिसलन भी है और पता नहीं कितना गड्ढा है, वैसे तो पूरा गर्दन तक आ रहा है पानी। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर हमने काफी एंजॉय किया, फोटोग्राफी रील सब बनाए। अब यहाँ से और एक वाटरफॉल नीचे में,
तो देखते हैं यहाँ से भी नजारा देख लो। और काफी सारे लोग आते ही रहते हैं भाई यहाँ पे घूमने फिरने, वाटरफॉल में स्नान करने के लिए। आप देख रहे हैं वहाँ पे कुछ फैमिली है जो आप लोग मैंने दिखाया स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बुढ़िया लोग बैठे हुए हैं पानी में। और उस साइड जाते हैं लेकिन उस साइड में क्या है थोड़ा सा धूप तेज है, और इसके नीचे भी एक वाटरफॉल बनता है लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। फिर दिखा देता हूँ तीसरा वाटरफॉल, लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा कम है। यहाँ से नीचे से बनता है, ये तो हल्का फुल्का है, एक नीचे से बनता है। तो लंगूर पार्क में है बैक पार करने के लिए, यहाँ पे अभी लाइव दिखाया ना आप लोगों को, आप लोग का लेके गया था ना बंदर नहीं। तो उनका है क्या? और लंगूर देख रहे इधर उधर, काफी सारे लोग आ ही रहे हैं, सब स्नान करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। गाइस तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं पहुंचल एक नए व्लॉग से।